गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग इलस्ट्रेशन 9 किया था। सो अभी हम लोग 9 का ओल्ड कंपनी वाज होमवर्क आई गेस, है ना? ये देखिए 9 का ओल्ड कंपनी होमवर्क था, पहले इसको करेंगे फिर 10 वाला करेंगे, राइट? और 9 का ओल्ड कंपनी करने के लिए हम लोगों को 9 का अपडेटेड बैलेंस शीट चाहिए। 9 का ओल्ड कंपनी करने के लिए हमको 9 का अपडेटेड बैलेंस शीट चाहिए आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन एंड डिविडेंड पेमेंट। ये वाला लूंगा मैं, अपडेशन करने के बाद ये नहीं लेना है। ये तो नया कंपनी का था, ये दोनों स्टॉक, राइट? ये वैल्यू लेना है, ये वाला लेना है और ये चेंज वाला लेना है। दिस इज बिफोर अमलगमेशन, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। जी समझ रहे हैं आप? बेसिकली इसको रियलाइजेशन में नहीं दिखाना है, सॉरी, रिवैल्यूएशन करके अलग से रिजर्व खड़ा कर देंगे, राइट? सो दीज आर द ओल्ड वैल्यूज, ये हमारा ओल्ड वैल्यूज माना जाएगा। ये हमारे ओल्ड वैल्यूज हैं। एसेट को बढ़ाया तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया, डिविडेंड दिया तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया और कैश कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को पता चल गया है कि व्हाट आर द न्यू बुक वैल्यूज, बुक वैल्यू, एडजस्टेड वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू नहीं, ये सब ओल्ड कंपनी के बुक वैल्यूज हैं। सो ओल्ड कंपनी करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्लोजिंग एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड कौन है? तो ओल्ड कंपनीज बैलेंस शीट प्लस पीसी। दिस इज हाउ वी क्लोज ओल्ड कंपनी का बुक्स, राइट? ओल्ड कंपनी का बुक्स को क्लोज करने के लिए अपन को ये सब चाहिए। तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, न्यू कंपनी मतलब पी लिमिटेड अकाउंट, न्यू कंपनी मतलब पी लिमिटेड अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का रेस्पेक्टिव आइटम को रेस्पेक्टिव जगह डालेंगे बुक वैल्यू में। यहां पे कैश टेक ओवर हो रहा है नया कंपनी द्वारा, इसलिए कैश को रियलाइजेशन में डालेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा, राइट? पुराना कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 2 लाख था, 37,500 रिवैल्यूएशन का ऐड हुआ और 30,000 डिविडेंड का चला गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का बुक वैल्यू था 207,500।
राइट, बाकी सारा एसेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगा, टू पीपीई, और क्या है, पीपीई का बुक वैल्यू 287,500, टू इन्वेस्टमेंट 80,000, अच्छा इन्वेंटरी छूट गया कितना, हाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बुक वैल्यू ले लिया, इन्वेंटरी 320, इसमें डेटर था 190, बीआर था 20, राइट, और कैश 10,000, बाई डिवेंचर कितना, बाई क्रेडिटर्स 125, बाई बिल्स पेबल, इसका ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, डन। ठीक है, अब नया कंपनी का पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, तो न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, फोर नाइन्टी रियलाइजेशन में बाई पी लिमिटेड, सो दिस इज ड्यू। अब रियलाइज में क्या हो रहा है, 4 लाख का नया कंपनी का शेयर मिल रहा है और 90,000 का प्रेफरेंस शेयर, बाय इक्विटी शेयर इन पी 4 लाख, तो जितना ड्यू था उतना रियलाइज हो गया, जितना ड्यू था उतना रियलाइज हो गया, हाँ या ना। ठीक है,
ऐसा कोई एसेट है नहीं जो नया कंपनी नहीं खरीदा हो, सारा एसेट खरीदा है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। पीसी ड्यू, रियलाइज, डिस्ट्रीब्यूट। राइट ऐसा कोई एसेट है नहीं जो नया कंपनी नहीं खरीदा है, सारा खरीदा है, तो उन पुराना कंपनी को बेचने का कुछ दरकार नहीं है, सारा लायबिलिटी भी खरीदा है। राइट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है, है क्या, है ना लिक्विडेशन एक्सपेंस, हाँ सॉरी है। ₹30,000 नया कंपनी दे रहा है, पुराना तो कुछ दे ही नहीं रहा है। सर पुराना के पास आपने कुछ छोड़ा थोड़ी है, देगा भी कहां से वो, टेक्निकली स्पीकिंग पुराना कंपनी इज नॉट लेफ्ट विथ एनी कैश, तो देगा भी कहां से। राइट छोड़ो, सीधा क्लोजिंग एंट्री पे आ जाओ, पैकअप। क्लोजिंग एंट्री को हम लोग पैकअप बोलते हैं। तो ये जाएगा रियलाइजेशन, यहां पे कम चुका रहे तो प्रॉफिट हो गया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर वन। तो यहां पे बाय प्रेफरेंशियल होल्डर 10,000, ठीक है। अभी लॉस आएगा, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है। बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इसको अपन बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, कितना आ रहा है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर 2 है। कैश नहीं है बोल के ये लास्ट में ये टैली करेगा। शेयर होल्डर का देखो 3 लाख का इसका कैपिटल था, 2,07,500 का रिजर्व, तो 5,07,500 हो गया टोटल, 4 लाख तुमको मिला, तो बाकी लॉस। खाली प्रोसेस को याद रखना, अपने आप हो जाएगा चीज। राइट
डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क था, उसको करेंगे हम लोग। अरियन वायु दो कंपनी है, अभी मालूम नहीं कौन किसको खरीद रहा है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, नोट वन रिजर्व एंड सरप्लस का, नोट टू लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। सभी का नोट है ट्रेड पेबल को छोड़ के। करंट एसेट का भी नोट नहीं है। इसका इक्विटी और इसका प्रेफरेंस, दोनों का इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग है, मतलब दोनों का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग अलग परसेंटेज का है। दोनों में खाली जनरल रिजर्व ही है और यहां पे ग्रेच्युटी फंड है, तो इसका और इसका नोट अलग से नहीं बनाने से चलता। यहां पे खाली लिख देता जनरल रिजर्व और इधर लिख देता प्रेफरेंस रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड। ठीक है, पीपी में दो है, इंटेंजिबल एसेट में खाली गुडविल है। हरी एब्जॉर्ब्स वायु, तो ये न्यू, ये ओल्ड, ये इसको खा रहा है, तो ये इसको एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, और ये इसको क्या देगा, परचेस कंसिडरेशन। न्यू ने ओल्ड को खरीदा है, ओल्ड ने बदले में अपना एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, और मेरा शेयर होल्डर के लिए आप मेरे को पीसी देंगे। टेन परसेंट शेयर होल्डर्स आर पेड एट 10% प्रीमियम, इसका मतलब क्या, पुराना कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में पैसा दे रहे हैं, तो पुराना कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है, 1 लाख का इंटू 110%, मतलब हम तुमको 1,10,000 दे रहे हैं। यस और नो, फर्स्ट हाउ मच आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू 1,10,000, और 1,10,000 का मैं तुमको क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, इक्विटी शेयर दे रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, अपना कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, कुछ नहीं बोला है, तो मेरा कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कितना है। इसका मतलब मैं तुमको 1,100 प्रेफरेंस शेयर इन हरी लिमिटेड दे रहा हूं, हाँ या ना। तुमको प्रीमियम में दे रहा है, लास्ट क्लास जो सम किया था उसमें डिस्काउंट में रिडेम्पशन हुआ था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्काउंट में दे रहा था, तो नया कंपनी को कम नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा। बट अगर इफ आई हैव टू पे यू एट प्रीमियम, देन आई हैव टू गिव यू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। नया कंपनी गुडविल खरीद, ये सब पॉइंट नंबर बी सी, ये सब फेयर वैल्यू दिया है, फेयर वैल्यू एट विच न्यू कंपनी हैज परचेज्ड, राइट। हाँ, गुडविल को 50,000 में खरीदा है, बिल्डिंग को 1,50,000, मशीनरी को 1,60,000, स्टॉक को 10% लेस, और डेटर पे 7.5% का प्रोविजन। अभी बोला इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु को नेसेसरी शेयर्स देंगे। नाउ व्हाट इज नेसेसरी शेयर्स, इसका मतलब नेट पेमेंट मेथड से नहीं कर सकते इसको। नंबर ऑफ शेयर्स कहां लिखा है, पुअर
पुराना कंपनी का शेयर होल्डर को आई विल गिव इक्विटी शेयर एट 10.5% प्रीमियम। हरी का शेयर का फेस वैल्यू क्या है? हरी का फेस वैल्यू 10 है, 5% मतलब 50 पैसा, 10.5। तो नया कंपनी का शेयर का वैल्यू दिया, बट वेयर इज द नंबर ऑफ शेयर? हाउ मेनी शेयर्स न्यू कंपनी इज गिविंग दैट इज मिसिंग हियर? अभी गौर से देखना, ये मैंने लास्ट क्लास क्वेश्चंस कराया था। ये देखो, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स न्यू कंपनी इज गिविंग, और ये हमने आपको पीसी वाला कैलकुलेशन का वर्किंग नोट में बताया भी है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है तो वो नेट एसेट मेथड होगा। यहां पे गिवन है 6 के बदले में 8, कितना भी सम आप देखोगे सब में दिया हुआ है। यहां पे बोल दिया था नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, एवरी क्वेश्चन दे हैव मेंशनड। बट इन दिस प्रॉब्लम नंबर ऑफ शेयर इज नॉट प्रिस्क्राइब, देयरफॉर हम लोग वी विल डू बाई नेट एसेट मेथड। हाँ या ना? सो इलस्ट्रेशन 10, कैलकुलेशन ऑफ पीसी बाई नेट एसेट मेथड, और याद रखना ये फेयर वैल्यू पे निकलता है, मालूम है ना सबको? बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है? बिल्डिंग का फेयर वैल्यू 150, प्लांट का 160, गुडविल 50, गुड बिल्डिंग का 150, प्लांट एंड मशीनरी का गुडविल का, स्टॉक 10% लेस, स्टॉक कितना है, बुक वैल्यू कितना है? डेटर्स कितना है? नीचे अलग से 7,500 लेस कर देंगे। कैश तो ये टोटल एसेट हो गया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड कितना है? और ट्रेड पेबल पुराना कंपनी का, तो वायु का, सो दिस इज नेट एसेट टेकन ओवर इक्वल्स टू पीसी, कितना आ रहा है?
ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, पुराना कंपनी का सारा एसेट्स खरीदा है? हाँ या ना? एसेट्स टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू, तो पीसी मालूम चल गया ना? ये पीसी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पेबल बाय हरी टू इक्विटी ऑब्लिक। हाँ या ना? तो अगर हमको टोटल अमाउंट मालूम चल गया है, राइट? तो मैं बोल सकता हूं अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल ऑर्डर 110 है, टोटल 530 है, तो अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आएगा? 420। पीसी डिस्चार्ज तो करना पड़ेगा ना, डिस्चार्ज तो शेयर में ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम था, तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इधर में नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा? नया कंपनी का एक शेयर का दाम 100 रुपया है, ग्यारह सौ शेयर आ गया। इधर में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा? इसका एक एक शेयर का दाम 10.5 है, कितना आएगा? 40,000 शेयर। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा जब इश्यू करेगा नया कंपनी।
पांच तीस टोटल देना है, जिसमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर को एक दस देना है, तो इक्विटी को चार बीस देना है। नया कंपनी का एक एक प्रेफरेंशियल 100 रुपए का कुछ नहीं बोला है तो, लेकिन इक्विटी शेयर बोल दिया 5% प्रीमियम, मतलब 10.5, तो इसमें 1100 शेयर आएगा और इसमें 40,000 शेयर आएगा। मतलब अगर ये नेसेसरी के जगह 40,000 बोल देता तो झमेला ही खत्म हो जाता। चालीस हजार इंटू 10.5 करो, 4,20,000 और 1,10,000, 5,30,000 आ जाता। अभी ओल्ड कंपनी भी बोला है, न्यू कंपनी भी बोला और उसका बैलेंस शीट भी बोला है, फुल फ्लेजेड सम है। ओल्ड कंपनी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहला वर्किंग नोट यह है, पीसी वर्किंग नोट नेटो मेथड से आ गया। राइट, क्लोजिंग एंट्रीज ओल्ड कंपनीज बैलेंस शीट प्लस पीसी चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैश यहां पे टेक ओवर हो रहा है नया कंपनी द्वारा। ठीक है, जब तक ये लाइन नहीं बोलेगा कि एक्सेप्ट दिस, तब तक अज्यूम करेंगे सारा एसेट लायबिलिटी खरीदा गया फेयर वैल्यू पे, और ये परचेज मेथड ही होगा, बोलने का बात नहीं है इसमें। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं, सारा का सारा एसेट लायबिलिटी भी खरीदा जा रहा है, खाली एक कंडीशन मार रखा गया, एसेट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू में खरीद रहे हैं। और ये तो पुराना कंपनी कर रहे, पुराना कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मेथड न्यू कंपनी इज फॉलोइंग, पीसी को भी फर्क नहीं पड़ता, पीसी में शेयर होल्डर को जो जो दे रहे सब आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दैट्स इट। ये 3,00,000 है, इसका मालूम नहीं।
रिजर्व इन शब्द देख के बताइए। 70,000। बाकी सारा एसेट लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू, सब बुक वैल्यू में जाएगा। टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू गुडविल, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू कैश, बाय रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, बाय क्रेडिटर। फिगर बोल। बिल्डिंग का बुक वैल्यू 1 लाख, प्लांट का, गुडविल का, इसका, इसका कैश बता। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, क्रेडिटर हो गया। बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया ओल्ड कंपनी का। स्टेप वन कंप्लीट। ट्रांसफर रेस्पेक्टिव आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू। इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा, बाकी सब चला जाएगा रियलाइजेशन में। पीसी ड्यू, सॉरी मेरे से ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। नया कंपनी का नाम तो गलत दे दिया ना मैंने, तुम लोग भी नहीं बोला। नया कंपनी कौन है? हरी है, हरी है, हरी है। आज ही जाना होगा मेरे को गंगा जी पाप धोने के लिए। हरी डेबिट टू रियलाइजेशन। वायु में वायु बन कैसे सकता है? तो ये ड्यू एंट्री आया। अब रियलाइज करेंगे, है ना? रियलाइज में क्या क्या मिल रहा है? 1,10,000 का प्रेफरेंस शेयर, 4,20,000 का इक्विटी शेयर बाय प्रेफरेंस शेयर इन हरी लिमिटेड, बाय इक्विटी शेयर इन हरी लिमिटेड।
राइट, पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, 5,30,000 लेना था ले लिया और उसको बांट दिया। क्या ऐसा कोई एसेट है जो नया कंपनी नहीं खरीदा है? ना। क्या ऐसा कोई लाइबिलिटी जो नया कंपनी नहीं खरीदा है? ना। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी के लिए फंड प्रोविजंस बनाया गया है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है, पैकअप करना है, तो यहां पे अगेन हम लोग ज्यादा पैसा दिया, लॉस हुआ है 10,000 इधर आएगा। बाय रियलाइजेशन प्रेफरेंशियल लोगों को 10,000 ज्यादा दिया है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर वन। तो यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट में अब की बार प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ 50,000। सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर टू, इसको यहां पे डालेंगे बाय रियलाइजेशन। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर वन, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर टू, और लास्ट में टोटल मैच कर जाएगा। एसी में कुछ प्रॉब्लम है देखना, मेरा रूम से ले आए। राइट, अब इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी करना है।
बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ आयु, नया कंपनी बिजनेस खरीदा और ओल्ड कंपनी का शेयर होल्डर को परचेस कंसिडरेशन देगा। राइट आप सारा एसेट लाइबिलिटी खरीदेंगे एट व्हाट वैल्यू? फेयर वैल्यू। वेरी गुड। बिल्डिंग खरीदेंगे 150 पे। गुडविल सब फेयर वैल्यू पे। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है। प्रोविजन नीचे दिखाएंगे। कैश कितना? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7.5%। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड कितना है? 20,000। क्रेडिटर्स 80। टू बिजनेस परचेस 530। क्योंकि ये नेटो मेथड से यहां डिफरेंस आएगा नहीं, चेक कर लो। राइट आप पीसी पेमेंट करना है।
मैं जो दे रहा हूं वो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। है ना? चालीस हजार इंटू दस, किसमें जाएगा? बींग समझ गया ना? अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया था मैक्सिमम एक में था, खाली प्रीमियम में इश्यू हो रहा था, बाकी सब में पार 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 बोल दिया था। यहाँ पे बोल ही दिया 10:30 में इश्यू हो रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली यहां मेंशन ही था कि 10:30 में शेयर इश्यू हो रहा है। राइट right? अब हम लोग को बनाना हरी का बैलेंस शीट। हरी लिमिटेड का जो बैलेंस शीट बनेगा, ध्यान से सुनना, इसका जो अपना बैलेंस शीट है प्लस एसेट लायबिलिटी परचेस्ड प्लस शेयर इश्यूड, समझ गया ना? एसेट लायबिलिटी परचेज एट व्हाट वैल्यू? हाँ, फेयर वैल्यू। हरी का अपना शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख। उसमें इक्विटी कितना है और प्रेफरेंस?
तो हरी का इक्विटी अपना 10 लाख का है, मतलब 1 लाख शेयर हो गया, 40,000 उसने इश्यू किया, राइट। प्रेफरेंस शेयर हरी का 1 लाख है, 1 लाख मतलब 1,000 शेयर, और 1,100 अभी नया कंपनी पुराना को दिया, 2109% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच। डन, मेरा अपना रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? तुम्हारा वाला तो मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन मैंने जब शेयर इशू किया तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अराइज हुआ था। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसमें रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड दोनों का जोड़ के बता दो, 50 और 20। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दोनों का जोड़ के बता दो, 1 20 कितना है टोटल? पीपीई Note 3 और इनटेंजिबल में गुडविल जोड़ लो, मेरा 50, तुम्हारा मैंने 50 में खरीदा, व्हाट इज माय बिल्डिंग?
मैंने तुम्हारा 1.5 लाख में खरीदा। व्हाट इज माय प्लांट एंड मशीनरी? कितना आ रहा है? इन्वेंटरी जोड़ लो, मेरा अपना कितना है? तुम्हारा 157,500। ट्रेड रिसीवेबल में 4 दिखा दो। मेरा अपना कितना है? हाँ? तुम्हारा 1 लाख, 3 लाख लेस डाउटफुल डेट्स, कितना आ रहा है? कितना? 1,5,000 बताओ। ₹19 लाख। बनाने को सबका नोट बना सकते हैं, बट एग्जाम में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा। और इतना फुल फ्लेजेड सम भी नहीं आएगा, या तो ओल्ड कंपनी आएगा या न्यू, या ओल्ड न्यू दोनों बैलेंस शीट नहीं बनाने बोलेगा, राइट? इस तरीके से ना हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिएगा, शेयर कैपिटल का नोट्स में कितना भी शेयर एमलगमेशन में इश्यू हो रहा है ना, ये डिस्क्लोजर देना पड़ रहा है, ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। कभी भी कोई भी शेयर जो कि कंसिडरेशन अदर देन कैश में इश्यू हुआ है, उसको अलग से आपको नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोनस शेयर दीजिए आप, अमलगमेशन में शेयर दीजिए, या कोई एसेट खरीदते वक्त शेयर दीजिए, या किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड किया उनको शेयर दीजिए, तो आपको यहाँ पे नोट में बताना पड़ेगा इतना शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू हुआ है। बदले में तो आपने एसेट लाइबिलिटी खरीदा ना, उस एसेट में थोड़ा सा कैश भी आया, बट वो आप कैश नहीं बोल सकते उसको, राइट? तो ये नोट हम लोग अगला बार से देंगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे, राइट? प्लीज रीड नंबर 11।
ओके, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2001। दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया, इसका रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस है। नॉन करेंट लायबिलिटी दे दिया, दोनों का ट्रेड पेबल, इसका बैंक ओडी भी है बी का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट में है और इन्वेस्टमेंट्स भी है। इसका कैश है, इसका उधर नेगेटिव में चला गया है। दोनों का शेयर कैपिटल, ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, हम लोग भी वैसे ही करेंगे कैलकुलेशन भी। इसका पीएल में डेबिट बैलेंस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ब्रेकअप बता दिया। बी हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए, वाओ, हमको लगा था ए अक्वायर करेगा लेकिन इसने इसको खरीदा है। सो ये हो गया न्यू कंपनी, ये हो गया ओल्ड कंपनी, ठीक है। द स्कीम ऑफ मर्जर वॉज अप्रूव्ड, बैंक अग्रीड्स टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ पी लिमिटेड। सर कहीं ना कहीं ये कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लाइबिलिटीज। बी लिमिटेड अपना शेयर को पहले 10 रुपए में रिड्यूस करेगा, बेसिकली उसको बैलेंस शीट से वो 800 का लॉस हटाना है, समझ गया ना। पहले रिडक्शन होके फिर वो कंसोलिडेट कर रहा है, ये स्टेप टू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं लगा। अब ये पीसी हो गया, ए का शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा बी में, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर, राइट। और जब मैं उसका एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदूंगा, मैंने उसका एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदा है ना, जब मैं उसका एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदूंगा, खरीदने के बाद ये म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ होगा। नया कंपनी का जर्नल एंट्री बोला और बैलेंस शीट बोला है। नाउ सबसे पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एंट्री करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एंट्री मतलब ये दो, करने के बाद ये लॉस को सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर कोई बात होगा। क्लियर, आइए। अच्छा समय और इजी समय, राइट। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। हाँ पूरा 450 इसका लोन फ्रॉम बैंक है, इसमें से 60 वेव हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। राइट ₹10 लाख का हमारा शेयर कैपिटल है, थाउजेंड्स और 30 है ना, 100 100 रुपए का शेयर था, तो इट वॉज लाइक 10,000 शेयर, 100 ईच। तो पहले इसको 10,000 शेयर 10 ईच कैपिटल रिडक्शन किया गया है। फर्स्ट वी हैव डन कैपिटल रिडक्शन। राइट, सो 10 लाख का कैपिटल को वी हैव कन्वर्टेड इनटू 1 लाख फर्स्ट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज वाला डेबिट 1,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला 100, टू कैपिटल रिडक्शन 900 बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच रिड्यूस टू रुपीज 10 ईच। राइट, पहले 10 लाख का था, अब इन थाउजेंड्स में हम लोग 100 लिखेंगे। तो सो नाउ द टोटल प्रॉफिट इन कैपिटल रिडक्शन इज 960। 800 का हमारा बुक्स में ऑलरेडी लॉस खड़ा है ना, है ना। सो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू
कैपिटल रिडक्शन में 960 है, तो अगर प्रॉफिट एक्सेस जनरेट हो जाता है तो उसको अपन कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, राइट अब बोल रहा है इन शेयर्स को कंसोलिडेट करो, इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। तो मैंने बताया ना टोटल कैपिटल वही 1 लाख ही रहेगा, तो अब ये शेयर बन जाएगा 1000। पहले 10 में रिड्यूस किया, फिर वापस से कंसोलिडेट करने से टोटल कैपिटल आफ्टर रिडक्शन जो था वही रहेगा। इज इट ओके? कंसोलिडेट करने के बाद, कंसोलिडेट जब अपने करते हैं ना, उससे हमारा कैपिटल रिडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कैपिटल रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन फिर कंसोलिडेट हो रहा है। नो चेंज इन टोटल कैपिटल।
तो अब हमारा बैलेंस शीट में क्या क्या बदलाव आएगा, पहले बी का बैलेंस शीट को ठीक करो, अभी तो एमलगमेशन शुरू ही नहीं हुआ है। सबसे पहले ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 390, ठीक है। इधर में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 160 का, और ये हो जाएगा 100,000 शेयर्स। पहले 10,000 × 100 को, 10,000 × 10, दिस इज कैपिटल रिडक्शन। फिर इसको 1,000 × 100, दिस इज कंसोलिडेशन। चलो मैं बैलेंस शीट टोटल की बात करूं, सो दिस इज 100, दिस इज 160, दिस इज 100, दिस इज 160, दिस इज 390, ये 300 ही रहेगा, ये 50 ही रहेगा। टोटल अभी भी 1,000 ही है। ठीक है ना। एसेट में कोई चेंज नहीं है ड्यू टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक न्यू मिलेगा एक ओल्ड के बदले में। 20,000 शेयर है और नया कंपनी का एक एक शेयर 100 रुपए का, अभी तो कंसोलिडेट किया तो उस हिसाब से 20,000 ही आएगा, ₹1,000, मतलब 20 लाख। सो अगला वर्किंग नोट हमारा परचेज कंसिडरेशन का होगा। नोट पीसी कैलकुलेशन अमाउंट पेबल बाय बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड। एक ओल्ड के बदले में एक नया, पुराना कंपनी का 20,000 शेयर है इनटू 100, तो हिसाब करेंगे तो 20 लाख ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ₹1,000 में हम लोग 2,000 लिखेंगे, 3 जीरो कम करके। उतना बड़ा टेबल बनाने का दरकार नहीं है, पेमेंट टू पेमेंट इन, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं।
अच्छा एक बार सारा कंडीशंस देख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं, सारा एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदा जा रहा है वो भी बुक वैल्यू में, हाँ है ना। सो डोंट यू थिंक कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो कौन सा लगेगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा ये। देखिए रिजर्व्स भी खरीदा है, कंडीशन चेक करेंगे बेटा। हाँ ठीक है, नोट में लिख देंगे। अच्छा ऑल द कंडीशंस मेंशनड इन इज सैटिस्फाइड, देयरफॉर amalgamation is in the nature of merger and accounting shall be done on the basis of पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कंडीशन क्या क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए दे अग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी डिस्पाइट बी का कैपिटल रिडक्शन हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए डिस्चार्ज्ड बाय इक्विटी शेयर इन बी, ठीक है ना, और ऑल एसेट्स लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड टू बी एट बुक वैल्यू। सेम बिजनेस, मतलब बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करेगा तुम मेरा, हाँ है ना। ये पांच कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, सो दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। एसेट लाइबिलिटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड एट बुक वैल्यू। ठीक है बता, पीपीई कितना? 2700। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना? हम्म,
इन्वेंट्री नहीं है। कितना? तो डिबेंचर कितना है, कितना परसेंट, कितना? तो ये हम लोग लिख सकते हैं, टू डिबेंचर इन ए लिमिटेड, क्योंकि इसको तो बदल के नया देना पड़ेगा ना। टू, और कुछ नहीं है लाइबिलिटी में, लोन फ्रॉम बैंक है ना। जर्नलिज्म भी तो खरीदेंगे। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, सब इधर आएगा। टू बिजनेस परचेस, देखो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लिक्विडेटर ऑफ, ए लिमिटेड, सॉरी, राइट right? मैं तुमको पूरा शेयर कैपिटल यूज करूं या इश्यू कर रहा हूं, बीइंग डिवेंचर इन ए लिमिटेड डेबिट टू 10% न्यू डिवेंचर, बदल के देंगे ना, उतने का ही देंगे, इसलिए तो मर्जर है। कम बेसी देते तो इसका बैलेंस शीट होमवर्क में बनाना। बी लिमिटेड का रिवाइज्ड और एंड रिड्यूस लिखना नहीं भूलेंगे अब से। बी लिमिटेड में रिडक्शन हुआ है, छोटा चाहे बड़ा, पोस्ट अमलगमेशन, पोस्ट अब्सॉर्प्शन, एंड रिड्यूस बढ़ाएगा। ठीक है, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। और क्या चीज का? हाँ, म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ, हाँ वेरी गुड।
खरीदने के बाद मेरा तुम्हारा डेटर 100,000, मतलब ये ऑलरेडी रुपीज इन थाउजेंड है। तुम्हारा जो डेटर मैंने खरीदा ना, उसमें तुम मेरा क्रेडिटर में है, मैं तुम्हारा डेटर में हूं। राइट, तो उसको सेट ऑफ करेंगे। म्यूचुअल डन, चलिए, ओके बाय।